नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव एकेडमी। मैं अंकित, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र, झीलों के बारे में, ग्लेशियर, कुंड और प्रपातों के बारे में। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं आज के चैप्टर स्टडी चेकलिस्ट की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड नदी तंत्रों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यमुना तंत्र की, फिर गंगा तंत्र के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद काली या शारदा तंत्र के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे झीलों और ताल के बारे में जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लेशियर की और एट लास्ट हम बात करेंगे जलप्रपातों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं उत्तराखंड नदी तंत्र की। जल संसाधन की दृष्टि से अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो काफी संपन्न राज्य है। यहाँ पर अधिकांश जो नदियां हैं इनका प्रवाह दक्षिण से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। हालांकि राज्य की जो सारी नदियां हैं इनको अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये गंगा तंत्र का ही अंग है, लेकिन राज्य की बात करें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसे हम गंगा तंत्र, यमुना तंत्र और काली तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं भागीरथी, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, विलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, अलकनंदा, यमुना और टोंस। ये नदियां जो है ये मान हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसके बाद पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोख, सरयू, गोमती, कोसी, गौला, पनार और लदिया, ये मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसके बाद बेगुल, निहाल, सोंग, रिस्पना, मंदौर, भाकरा, ढेला, मालिनी, ये नदियां बाय हिमालय से यानी शिवालिक व दून से निकलती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुना तंत्र की। तो यमुना जो है उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए इसके बाद ये राज्य से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, बनारगाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बर्नीगाड़, भद्रीगाड़, मुंगरागाड़, गदोलीगाड़ और पुजियारगाड़, टोंस और आसन, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से आती हैं, जिसमें टोंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब टोंस जो है ये उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलने वाली सुपिन नदी व हिमाचल से आने वाली रूपिन नदी के मिलने से बनी है, जो कुछ दूरी तक तमसा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे 148 किलोमीटर बहने के बाद यह कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। अब टोंस के बाद रामपुर मंडी के पास बाई ओर से आने वाली आसन नदी यमुना में मिल जाती है और इसके बाद धालीपुर के पास उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। अब जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि यहाँ पर यमुना उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत उत्तरकाशी से निकल रही है, इसके बाद इसमें कुछ नदियां आके मिल जाती है और ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के साइड बह रही है। इसके बाद बॉर्डर पर आते ही इसके साथ हिमाचल से एक नदी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका नाम रूपिन है, तो रूपिन नदी इसमें मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ के ये बॉर्डर में ही बह रही है और देहरादून से थोड़ा पहले कालसी के पास इसमें टोंस नदी जो कि उत्तरकाशी से ही आ रही है वो आके देहरादून से थोड़ा पहले इसमें मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें आसन नदी मिल रही है और इसके बाद ये देहरादून से बाहर की ओर निकल जा रही है। ये तो रहा यमुना तंत्र का मैप। अब थोड़ी बात कर लेते हैं उत्तराखंड में गंगा तंत्र के बारे में। तो उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा नाम से देवप्रयाग के बाद से जानते हैं, इससे पहले गोमुख से और देवप्रयाग तक इसका नाम भागीरथी है। बाकी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक एक स्थान है, वहां पर बाई ओर से इसमें नयार नदी मिल जाती है जो आगे बढ़ने पर देहरादून के ऋषिकेश में, दाई ओर से चंद्रभागा नदी और आगे बढ़ने पर दाई ओर से फिर से रायवाला में सोंग नदी से मिल जाती है। देवप्रयाग में हरिद्वार तक राज्य में गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर से। भागीरथी उपतंत्र की बात करें तो भागीरथी उत्तरकाशी जिले के उत्तर पूर्व में गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के गोमुख से निकलती है। रुद्रगंगा
जाह्नवी, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलन गंगा, सिया गंगा, ये नदियां गंगोत्री के समीप ही भागीरथी से मिल जाती हैं। अब देख लीजिए गणेश प्रिया के पास, जो कि पुराने टिहरी में था, अब डूब गया है, तो वहां पे भागीरथी से बिलंगना मिल जाती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। अब अलकनंदा उपतंत्र की बात की जाए तो अलकनंदा जो है चमोली के उत्तर भाग में सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपन ताल से होते हुए 115 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। सरस्वती, पश्चिमी धरी गंगा, विरथी, नाबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी इसकी सहायक नदियों में से है। अब अलकनंदा जो है ये सबसे पहले लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा जिसको पुष्पावती भी बोलते हैं, आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में केशव प्रयाग चमोली में सरस्वती से मिल जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जैसे यमुनोत्री से यमुना निकल के तो अलग ही हो गई। इसके बाद गंगोत्री से हमारी भागीरथी आ रही है, केदारनाथ से हमारी मंदाकिनी आ रही है, बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा आ रही है जिसमें कि धौली गंगा सबसे पहले विष्णु प्रयाग में मिल रही है, नंद प्रयाग में इसमें नंदाकिनी मिल जा रही है और कर्ण प्रयाग में इसमें पिंडर गंगा मिल रही है। तो तीन नदियां इसमें मिल रही है, बहुत सारा जल इसमें बढ़ गया है। इसके बाद मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिल रही है, तो चार बड़ी बड़ी नदियां इसमें मिल रही है और अलकनंदा मैक्सिमम जल लेके आगे आकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जा रही है और इसके बाद इसका नाम गंगा हो गया है। तो ये तो रहा हमारा गंगा उपतंत्र। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे निकले अभी तक इसमें है कि विष्णु गंगा में, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा मिल रही है, इसके बाद नंद प्रयाग चमोली में नंदाकिनी इसमें मिल रही है, फिर कर्ण प्रयाग चमोली में इससे पिंडर मिल रही है और इसके बाद रुद्रप्रयाग में इससे मंदाकिनी मिल जाती है। सास बहु नदियों की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में टिहरी में जो मिल में तो को सास बहु नदियों के नाम से भी जानते हैं। अब नयार उपतंत्र की बात करें तो देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी में गंगा से बाई ओर से नयार नदी मिलती है। इसके बाद काली शारदा तंत्र की बात करें तो ये पिथौरागढ़ के उत्तर तिब्बत बॉर्डर के पास जैसकर श्रेणी के पूर्वी ढाल में लिपु लेक के पास स्थित काला पानी व्यास आश्रम के पास से निकलती है। यहाँ नदी काकागिरी पर्वत के समांतर भारत नेपाल बॉर्डर पर बहती हुई पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में प्रवेश कर जाती है और टनकपुर में शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी के नाम से कहा गया है। टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया। अब गौरी गंगा उपतंत्र में जौलजीवी नामक एक स्थान है, वहाँ पर काली गंगा और गौरी गंगा जो है ये मिल जाती है। सरयू उपतंत्र की बात करें तो काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में सरमूल नामक एक स्थान से निकलती है और बैजनाथ और बागेश्वर जो है सरयू के तट पर ही है। अब पिथौरागढ़ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में दाईं ओर से मिल जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सरयू नदी की पहली सहायक नदी गोमती है और बागेश्वर में सरयू से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुमाऊं मंडल के कुछ झीलें और तालों के बारे में। तो सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल जिसको मलवा ताल या सड़िया ताल कहते हैं ये हमारे नैनीताल में है। इसके बाद गिरिताल और द्रोणताल उधम सिंह नगर में आते हैं, फिर सुरकंडा ताल बागेश्वर में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, श्यामताल चंपावत में और झिरमिल ताल भी चंपावत में। इसके बाद बात कर लेते हैं गढ़वाल मंडल के तालों की। तो टिहरी गढ़वाल में हमारे सहस्त्रताल, यमताल, महासरताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल, भिलंगना ताल ये आते हैं। इसके बाद पौड़ी में हमारा दुग्ध ताल आता है, ताराकुंड ताल भी पौड़ी में है। इसके बाद हमारा जो रूपकुंड है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, होमकुंड चमोली में, लोकपाल हमारा चमोली में ही आता है। इसके बाद चमोली में जो बाकी है सतोपंत, बिरही ताल, बेनीताल, विष्णुताल, लिंगताल या जिसको आश्री ताल भी कहते हैं, सुखताल ये चमोली में ही आते हैं और ये जलताल भी चमोली में ही है। काकभुसुंडी ताल जोशीमठ में है। इसके बाद हमारा गोहाना ताल गोपेश्वर में, लेकिन ये जो ताल है ये झील जो है ये स्वयं टूटकर समाप्त हो गई थी 1970 में, तो अब तो कोई मतलब नहीं है। अब ये मणिभद्र ताल जो है हमारा ये चमोली में है जिसको सिंध ताल भी बोलते हैं।
नचिकेता ताल हमारा उत्तरकाशी में है, डोडी ताल उत्तरकाशी, कर्णा ताल उत्तरकाशी, फाजकंडी ताल उत्तरकाशी, केदार ताल, भरासन ताल, रोई साड़ा ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये सभी उत्तरकाशी में है। इसके बाद रुद्रप्रयाग के आसपास जो ताल है इनमें देवरिया ताल, बदाणी ताल और सरवदी ताल है। सरवदी ताल यानी जिसको हम चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर भी कहते हैं। फिर देहरादून में हमारे दो है, चंदबाड़ी ताल और कासरो ताल, और हरिद्वार में दिव्य सरोवर। ग्लेशियर की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिथौरागढ़ में कौन सा है, तो पिथौरागढ़ में मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम और पॉन्टिंग, ये हमारे पिथौरागढ़ में है। इसके बाद सुंदरढुंगी, सुखराम, पिंडारी, कफनी, मैकतोली, ये हमारे पांच बागेश्वर में है। उत्तरकाशी में हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, ये चार उत्तरकाशी में है। खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी और रुद्रप्रयाग में है, दोनों में। फिर रुद्रप्रयाग में हमारा चौरावाड़ी, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है। इसके बाद चमोली में दूनगिरी, हिपरापमक, बद्रीनाथ और सतोपंत व भागीरथ ग्लेशियर आते हैं। जलप्रपातों की बात चलते चलते कर लेते हैं, तो जलप्रपातों में हमारा सहस्त्रधारा देहरादून में है, इसके नाम के अनुरूप इसमें हजारों झरने गिरते रहते हैं। इसमें एक झरना गंधक युक्त है, यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कैंपटी फॉल टिहरी में है, टाइगर फॉल देहरादून, वसुंधरा प्रपात चमोली, मुनस्यारी प्रपात पिथौरागढ़, बिरथी प्रपात पिथौरागढ़, भट्टा प्रपात देहरादून और हाड़ी प्रपात देहरादून। अब ये कुछ ठंडे कुंड और गर्म कुंड देख लीजिए। ठंडे कुंडों में सूर्य कुंड हमारा पिथौरागढ़ में है, और यही अगर सूर्य कुंड गर्म कुंड की बात की जाए तो यमुनोत्री में है। तो पहले ठंडे कुंडों में देख लेते हैं। ठंडे कुंडों में हमारा सूर्य कुंड पिथौरागढ़, नंदा कुंड पिथौरागढ़, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग, नंदी कुंड चमोली, देवी कुंड बागेश्वर, देव कुंड उत्तरकाशी और ऋषि कुंड चमोली में। गर्म कुंडों की बात की जाए तो सूर्य कुंड यमुनोत्री, तप्त कुंड चमोली, भाप कुंड चमोली, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग, भौरी अमोला कुंड, भौरी अमोला कुंड जो है गौरी कुंड के पास में है, इसका मतलब रुद्रप्रयाग में ही है। गंगनानी गरम कुंड, ये गंगनानी उत्तरकाशी। ठीक है गाइज, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्य जीव के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइबर्स की बड़ी कमी है यार, सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं। तो ठीक है गाइज, फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।